आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां गरियाबंद जल संसाधन विभाग के पांडू का सब डिवीजन में एक बार फिर से भ्रष्टाचार होने की शिकायत मिल रही है। 2.5 करोड़ की लागत से नहर लाइनिंग का काम चल रहा है, जिसे विभाग द्वारा नियमों को ताक पर रखकर करवाया जा रहा है। काम को ठेकेदार की बजाय नियम विरुद्ध पेटी ठेकेदार से करवाया जा रहा है। इसके अलावा बिना कंपैक्शन के ही स्लीपर बिछाए जा रहे हैं, जिससे काम की गुणवत्ता पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। डालते हैं उसको, हम कंपैक्ट करके पकड़ बना लेते हैं, तो ये पत्थर पे रख रहा है स्लीपर, तो इसकी तो पकड़ ऑलरेडी है हमारे आईडीए से, इसमें ऑलरेडी पकड़ है, पत्थर पे स्लीपर रख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जरूरत नहीं थी यहाँ पर? नहीं, ये सब शासन का काम है, उसे समझना चाहिए जरूरत है कि नहीं, वैसे पत्थर नहीं करता है। मटेरियल को हटाए बगैर स्लीपर को बैठा दिए हैं, पूरा मिट्टी और राख, जबकि उसको हटाना चाहिए था, जिसकी शिकायत मैंने मुख्य अभियंता और सीटी को किया। उस संबंध में सीटी और मुख्य अभियंता ने डायरेक्ट कल एसडीओ पांडुको को भेज के सारे स्लीपर को हटाने का आदेश किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, जो काम जल संसाधन विभाग की ओर से शुरू किया गया है, उसमें गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरीके की शिकायतें देखने को मिली है, किस तरीके की शिकायतें की गई हैं? ये पूरा मामला जो है गरियाबंद संभाग के सिंहेश्वर पांडुका उप संभाग का मामला है, जहाँ पे सिंहेश्वर डिस्ट्रीब्यूशन में चयन क्रमांक 0 से 48 तक के लिए 2,34,10,000 का काम जुलाई 2018 में स्वीकृत किया गया है। सबसे पहली बात तो इस स्वीकृति को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस चयन में यह कार्य स्वीकृत हुआ है 2012 में जब कार्य चल रहे थे, तो उस दरमियान में ही कहा दिया गया था कि इस नहर में इस तरह की लाइनिंग काम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड स्टेटा पाया गया है, जिसके कारण लाइनिंग की कोई जरूरत नहीं है करके उस समय काम को मना कर दिया गया था। लेकिन किसी तरह फिर अधिकारियों ने, क्योंकि उन्हें उनकी पूरी मंशा थी कि निर्माण कार्य की राशि को किसी तरह से गबन किया जाए या गड़बड़ी किया जाए, उस नियत से फिर इस काम को स्वीकृत करा दिया गया है, जो कि अब काम में गड़बड़ी का जो है एक के बाद एक सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे स्लीपर को बिछाया जाना था, स्लीपर बिछाने के लिए आपको हमारे साथ दूसरी तरफ प्रीतम सिन्हा जी फोन लाइन पे जुड़ गए, जो शिकायत करता है। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी प्रीतम जी, जल संसाधन विभाग की तरफ से जो काम शुरू किया गया है, उसमें किस तरीके की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं आप लोगों द्वारा? इसके पूर्व इसी फिनाल में लगभग 52 करोड़ का टेंडर हुआ था, जिसमें ठेकेदार निलंबित किया गया था जी, और 5 अधिकारी सस्पेंड किए थे। उसी रीच में उसको उस समय तत्कालीन तकनीकी अधिकारियों ने उस रीच को छोड़ दिया था, जो कार्य लाइनिंग के उसमें नहीं आता, हार्ड रिले ट्रैक की वजह से लाइनिंग नहीं किया जा सकता था। लेकिन अभी वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति देकर बेधड़के तरीके से उसको स्वीकृत कराया गया है, जिसकी लागत लगभग 2,34,10,000 है। विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें सामने आई हैं, शिकायतें आपने जाहिर करने की कोशिश की है, लेकिन क्या लिखित में विभाग को आपने इस बात से अवगत कराने की कोशिश की? मैं इनके अभी तो लिखित शिकायत दर्ज करा दिया हूँ, रजिस्ट्री किया हूँ। तत्कालीन अभी वर्तमान में जो उनके मुख्य अभियंता है श्री डीसी जैन जी, एक डिजाइन पर्सन है और तकनीकी ज्ञाता है, जो महानदी गोदावरी के क्षार में एक अच्छे अधिकारी के तौर पर गिने जाते हैं, उनको मैं तत्काल शिकायत दर्ज कराया दूरभाष से, और उस दूरभाष से वो अपना संज्ञान में लिए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिया कि पानी में जो स्लीपर डाला गया है उसको तत्काल हटाया जाए, ट्रैक मटेरियल को हटाया जाए और अधिकारियों जानी में काम किया जाए। विभाग ने आपको माना कि हाँ वाकई में भ्रष्टाचार हो रहा है जी? जब आप शिकायत लेकर के पहुंचे, आपने जिक्र किया कि लिखित में भी शिकायत की गई है, तो क्या विभाग इस बात को मान रहा है कि हाँ वाकई में भ्रष्टाचार हो रहा है? विभाग ने मेरे बात को संज्ञान में लिया और अधिकारी का कहना है कि वाकई गड़बड़ी हो रहा है। यहाँ स्थानीय तौर पे जो अब उप अभियंता एसडीओ खुद इस बात को मान रहे हैं, उनने अपने साइड ऑर्डर बुक में लिखित में दर्ज करा दिया है कि वाकई गड़बड़ी हो रहा है। गड़बड़ी का कारण यह भी है, इनको जो मुख्य तौर पर जिनका अनुबंध हुआ इस ठेके में, कब तक जांच होगी, क्या आश्वासन क्या मिला है जी? कब तक इस पर जांच होगी, आश्वासन क्या मिल पाया? मेरे को नहीं लगता कि जांच होगी, क्योंकि सभी अधिकारियों की मिली भगत है, खाना पूर्ति कर रहे हैं। और पहला बात तो है, जिस कॉन्ट्रेक्टर को ठेका मिला है
वो कॉन्ट्रेक्टर अधिकारियों के साठ गांठ के साथ ही कॉन्ट्रेक्टर को काम सौंपा है। इससे साबित होता है कि सारे अधिकारी और मेन जो ठेकेदार है उनका साठ गांठ है। उस साठ गांठ के चक्कर में काम अच्छे ढंग से होगा ये पॉसिबल नहीं है। फिर 10 साल पहले की पुनरावृत्ति इस जिला में दोहरा जाएगी ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए सना जी। और दूसरी तरफ हमारे साथ स्वराज समता भी जुड़े हुए हैं, बात पूरी कीजिए पुरुषोत्तम जी। जी जी बताएं पुरुषोत्तम जी। चलिए पुरुषोत्तम से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल शुक्रिया पुरुषोत्तम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अजमेर में इन दिनों प्राइवेट